नमस्कार, हेल्दी किचन नवाजी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ कद्दू और आलू की सब्जी। तो चलिए देखते हैं कद्दू और आलू की सब्जी बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम कद्दू लिया है, इसको अच्छे से धोकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है छील कर। ये इसके छिलके पीले थे इसलिए मैंने निकाल दिया। अगर छिलके हरे हो, सॉफ्ट हो तो हम छिलके के साथ ही कर सकते हैं। दो मीडियम साइज का आलू, इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसके साथ मैंने एक प्याज, इसको भी बड़े पतले पतले टुकड़ों में काट लिया है लंबा लंबा। दो हरी मिर्च बारीक कटी हुई, एक इंच अदरक का टुकड़ा कसा हुआ, थोड़ी सी हरी धनिया गार्निशिंग के लिए, तीन चार कलियां लहसुन की, इसको मैंने बारीक टुकड़ों में काट लिया है, दो सूखी लाल मिर्च तड़के के लिए, एक पिंच की सूखे मसालों में मैंने लिया है हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला। यहाँ पे मैंने पंचफोरन लिया है जिसमें मेथी, सौंफ, राई, जीरा और कलौजी है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा सब्जी का। स्वादानुसार नमक लेंगे। और सब्जी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, आप चाहे तो कौन सा भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर गैस पर कढ़ाई रख दिया है और गैस ऑन कर दिया। जब हमारी कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें हम ऑयल डालेंगे। यहाँ पर मैंने लगभग 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें आगे की प्रोसेस करेंगे। याद रखें, मस्टर्ड ऑयल को अच्छे से गर्म करना है ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। तो आप देख रहे हैं तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो इसमें हम अब हींग और ये सूखी लाल मिर्च डालेंगे। और इसे कुछ समय के लिए भून लेंगे। फिर इसमें हम ये जो पंचफोरन था वो डालेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। पंचफोरन से सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जब हमारा पंचफोरन थोड़ा सा भून जाए तो इसमें हम अब कटे हुए लहसुन डाल देंगे। लहसुन को भी कुछ समय के लिए भून लें। हमारा लहसुन भी थोड़ा सा भून चुका है। अब इसमें हम कटे हुए हरे मिर्च, अदरक को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर इसके बाद इसमें हम कटे हुए प्याज डालेंगे और हमें प्याज को सॉफ्ट होने तक पकाना है। इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए तब तक इसे हमें पकाना है। यहाँ पर हमारा प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अब इसमें हम कटे हुए कद्दू और आलू भी डाल देंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। साथ हम लोग सूखे मसाले भी डाल देंगे ताकि कद्दू और इसके साथ हमारे मसाले भी भून जाएंगे। उससे पहले हम इसे 1 से 2 मिनट भून लेते हैं ऐसे ही कद्दू को। आलू और कद्दू को ऐसे भूनने से टेस्ट अच्छा आएगा। इसे 1 से 2 मिनट पर हमें ऐसे भूनना है। एक से दो मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम सूखे मसाले भी डाल देते हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च, अगर आप तीखा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं, स्वादानुसार नमक, वन टीस्पून धनिया पाउडर। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर ले। 1/2 टीस्पून गरम मसाला, गरम मसाला डालना भूल गई थी।
अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। इसे हमें अच्छे से मिक्स करके मसाले को 1 से 2 मिनट ढककर भूनना है, फिर मैं आगे का प्रोसेस बताऊंगी। इसे मैं कवर कर देती हूँ और 1 से 2 मिनट भून लेती हूँ। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, अब इसे मैं अच्छे से चला लेती हूँ। अब कद्दू को हमें अच्छे से पकाने के लिए इसमें लगभग 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दूंगी, सॉरी पानी डाल दूंगी, ताकि हमारा कद्दू जल्दी से गल जाए और हमारी सब्जी फटाफट रेडी हो जाए। इसे अच्छे से मिक्स करके इसे हमें कवर करके 3 से 4 मिनट तक पकाना है और इसे बीच बीच में चलाते रहें। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, इसे बीच बीच में मैंने चलाते हुए जैसे देखा था हमारी सब्जी अच्छे से पक चुकी है। आप देख सकते हैं हमारा कद्दू और आलू दोनों अच्छे से पक चुका है अच्छे से। तो अब इसे आप गैस हम गैस ऑफ कर देते हैं और इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। इसे मैंने एक सर्विंग बाउल में निकाल लिया है। इसे मैं धनिया से गार्निशिंग कर दे रही हूँ। तो हमारे कद्दू और आलू की सब्जी तैयार है। इसे आप पूरी पराठे के साथ खाइए और अपनों को भी खिलाइए और अपने अनुभव मुझसे शेयर कीजिए। नमस्कार।